दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 27.54 करोड़ हो गए हैं। इसी के साथ अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 53.6 लाख है। वहीं 8.72 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ, ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए। अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश। मंगलवार सुबह अपने नए अपडेट में यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग ने बताया, वर्तमान वैश्विक मामले, मरने वालों की संख्या, टीकाकरण की कुल संख्या क्रमशः 27,54,38,382 है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 53,60,382 है। अब तक 772,66,09,684 लोगों का टीकाकरण हुआ। सीएसएससी के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा मामले 5,10,97,528 और मौतें 8,07,945 के साथ अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है। भारत दूसरा सबसे प्रभावित देश। कोरोना मामलों में दूसरा सबसे प्रभावित देश भारत है, जहां कोरोना के 3,47,46,838 मामले हैं। यहां पर 4,77,554 लोगों की मौत हुई। इसके बाद ब्राजील में कोरोना के 2,22,15,856 मामले हैं। यहां पर 6,17,873 लोगों की मौत हुई। जानिए किन देशों में है 50 लाख से अधिक केस। सीएसएससी के आंकड़ों के अनुसार 50 लाख से ज्यादा केस वाले मामले वाले देश में यूके 1,15,18,116, रूस 1,64,290, तुर्की 91,00,89,851, फ्रांस 87,45,272, जर्मनी 68,34,488, ईरान 61,73,369, स्पेन 55,35,231, इटली 54,05,360, अर्जेंटीना 53,95,044 और कोलंबिया 51,09,022 है। जिन देशों ने 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत का आंकड़ा पार कर लिया, उनमें मैक्सिको 2,97,863, रूस 2,92,331, पेरू 2,02,225, यूके 1,47,722, इंडोनेशिया 1,44,013, इटली 1,35,778, ईरान 1,31,124, कोलंबिया 1,29,487, फ्रांस 1,22,702, अर्जेंटीना 1,16,930 और जर्मनी 1,08,484 शामिल है। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Thank you.